के चक्कर में एंटीगा से डोमिनिका पहुंचा मेहुल चौकसी, अब डोमिनिका की जेल में बंद है। लेकिन मेहुल चौकसी की मिस्ट्री गर्लफ्रेंड को लेकर अब तक कई राज खुलने बाकी हैं। आखिर कौन थी वो जिसके लिए एंटीगा से डोमिनिका तक भाग गया मेहुल चौकसी? मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी ने जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। नमस्कार मिसेस चौकसी, मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी न्यूज से। नमस्ते, नमस्ते। मैं यही जानना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से आप कह रही थी पहले कि जो बारबरा है जिनसे वो मिलते थे वो दरअसल वो नहीं है, कोई और लड़की थी, लेकिन जिस तरह से बारबरा ने कहा है कि मिस्टर मेहुल चौकसी ने उनको राज कह के इंट्रोड्यूस कराया था और झूठ बोला था, तो आप क्या कह रही हैं इस बारे में? जितेंद्र जी, सॉरी मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा तो सबसे पहला सवाल है कि बाबरा जी का नाम क्या है? वो आपको उन्होंने बताया था उनका नाम क्या है? बाबरा क्या, बाबरा जैरबिका, बाबरा जैरबिक या बाबरा जोस? बाबरा जैबरिका है उसका। तो उन्होंने उन्हें जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो पासपोर्ट से ट्रैवल किया है, जो आज पुलिस के हाथ में है, वो बाबरा जैरबिक बोलते हैं। तो फिर कहाँ पे तो कुछ गलत है ना? या तो फेक डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल किया है उन्होंने, वो पुलिस अभी इस चेकिंग, या तो उन्होंने आपको गलत नाम बताया है। और वो जो अंगूठी देने वाली बात आ रही है, क्या उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप जानते हैं कि क्यों दी गई थी और जिस तरह से वो कह रही हैं कि फेक रिंग थी? आई थिंक इनका जरा थोड़ा आपको क्या बोलते हैं, नमक मिर्ची डाल के उन्होंने बोला कि मैं LSC की ग्रेजुएट हूँ उनके प्रोफेशनल प्रोफाइल पे, करेक्ट? तो आप किसी ने पूछा भी नहीं उनको कौन से ईयर में वो ग्रेजुएट हुए, जब यूनिवर्सिटी तो बोलते है वो कभी पढ़ी ही नहीं है, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? वो कुछ भी बोल सकती है। लंदन की कंप्लेंट के बारे में आप बताएंगे कि क्या कंप्लेंट आप लोगों ने फाइल की और किस तरह से मूव कर रहे हैं वहाँ पर? आई थिंक वॉर क्राइम्स में अंडर ये फाइल हुई है और वहाँ पे दे हैव स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी, एंड वो लोग कभी दे विल बी इन टच विद पुलिस फोर्सेज ऑफ दी अदर कंट्रीज, because they will check for any criminal records of any of these people worldwide now. तो क्या आप गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं एंटीगा में? क्योंकि जिस तरह से PM ने स्टेटमेंट दिया था कि उनको मिस्टर चौकसी की जरूरत नहीं है, तो क्या इस तरह के बयानों के बाद क्या आप गवर्नमेंट को भी कुछ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं एंटीगा की? See, I believe के कोई एक वेदर इंडिया है या एंटीगा है या लंदन है कि कहाँ पे भी है, कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। कोई एक पर्सन या एक गवर्नमेंट नहीं बोल सकता है कि हमको जरूरत नहीं है। सिटीजन्स हैव राइट्स, और उनका वो भी स्टेटमेंट है ही ना अपने सामने कि उनको एंटीगा नहीं आने देना, क्योंकि वो एंटीगा आएगा तो ही विल एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, he will be protected by the law. So that he himself is saying ki wo antigun hai. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.